सुषमा, मेरी एक बड़ी लड़की यूएसए में है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ हुआ था यूएसए में, अल्टीमेटली वो डिवोर्स फाइनल हो गया। तो शुरू शुरू में काफ़ी अंदर से हर्ट करता था ये जब सारी सारी प्रॉब्लम्स आई। बाद में जैसे जैसे टाइम निकलता गया वो हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट लेते गए, और जो बाहर से दिखता है वो तो अभी नहीं दिखता है क्योंकि इतना उसके साथ अटैचमेंट रहते हैं। पर कभी कभी फ़ोन जब भी आता है तो एक धड़कन सी रहती है अंदर से। एक बार जब यूएसए से रिंग बसी है तो फर्स्ट साइट में जो बोलते हैं ना कि क्या हुआ होगा, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहती है अपने दोस्त के साथ, अकेली रहती हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करती हैं, फिर भी एक अंदर का जो मोह बोला जाता है कि क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। एक थड़कन सी रहती है कि जब भी रिंग आती है नहीं तो क्या कुछ हुआ होगा, क्या नहीं है, ऐसा सोच में आ जाता है। नहीं, एक मोह तो रहेगा ही, लेकिन एक जो अनुभव हुआ ना उसकी ज़िंदगी में, एक जो हादसा हो गया, तो अभी भी उसके इकोज नहीं गए आपके दिमाग में से। तो आपको कुछ लगेगा कुछ नया प्रॉब्लम तो नहीं आया उसको, ऐसी डर सी लग जाती है। ये सब निकाल देने की ज़रूरत है क्या? मोह तो है ही, तभी तो ये सारी चीज़ें आपको असर कर रही है। जहाँ हम अटैच हैं वहाँ ही ये सारी असरें होती हैं। जिनके साथ हम अटैच नहीं है, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, बिल्कुल राग नहीं है, मोह नहीं है, वहाँ उसका कुछ भी हो जाए तो भी हमें कुछ असर नहीं होगी। हो चलता है, सबको होता है, इसको भी हुआ गया, लेकिन ये मेरी बेटी है, मेरापन आता है, ममत्व आता है, ममता होती है, तो फिर वहाँ ये सारी चीज़ें हमको असर करती है। तो एक कम हो इसके लिए क्या करें हम? कुछ नहीं, यह सब हमारे जीवन के रिश्तेदार, जो भी कोई हमारे नज़दीक आते हैं जीवन में, ये सब हमारे हिसाब है, लेन देन है, और हमारे पास आए हैं तो उनको, उनकी जो भी कुछ लेन देन है हमें उसको पूरा करना है, प्रेम से करने का है, मोह से नहीं करने का है। तो प्रेम से समझाने का, सारी बातें प्रेम से ही हल करने की है। आप इन सब रिश्तों को मोह से हल करते हो, प्रेम से नहीं करते हो। मोह और प्रेम में बहुत फ़र्क है। जहाँ इमोशनल हो जाते हैं, असर हो जाती हैं, अंदर भुगतना शुरू होता है जिसके प्रति मोह है उसकी ओर से, तो ये सब मोह में जाता है। अब प्रेम है वहाँ, आपको आपको भुगतना नहीं होगा अंदर, क्या आप स्वस्थ रहोगे? जिस पर प्रेम है उसका कुछ खराब हो गया, ये हो गया, तो आपको असर नहीं होगी, आप स्वस्थ रहोगे और आपका प्रेम तो उतना ही रहेगा, का बढ़ नहीं जाएगा या कम नहीं हो जाएगा। सच्चा प्रेम तो उसे कहते हैं। इमोशनल में आपका प्रेम ज़्यादा बताते हो, और कभी उसने कुछ बुरा कर दिया तो आप प्रेम तो क्या, उसके बजाय आप मुँह भी बिगाड़ते हो उसके सामने। तो प्रेम में ऐसा कुछ नहीं रहता है, प्रेम में तो हर समय सरीखा ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो यह प्रेम सीखो, प्रेम दो, तो आप अगर उसके बड़ी भारी मुसीबत आई आ गई तो आप उस प्रेम से उसका हल कर सकोगे, आप इमोशनल हुए बगैर उस अच्छा सॉल्यूशन ला सकोगे। आप खुद ही इमोशनल हो जाओगे तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, आपकी बुद्धि दिमाग सब ब्लंट हो जाएगा। समझ में आया? इमोशनल जो होता है उसका सब ब्लंट हो जाता है, सॉल्यूशन नहीं ला सकते, इमोशन में नहीं आना चाहिए। हाँ, इमोशनली होना चाहिए, कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो ठंडे कलेजे से उसका हल करो,
अरे समय है, संजोग है, सब कोई यही हल करने में ही हमको मदद करते हैं। हम स्वतंत्र तो नहीं हैं, संजोग अधीन है, संजोग भी हमको कुछ करते हैं या नहीं करते सहायता, तो सब हो ही जाता है। शांति से हम प्रयत्न कर रहे जाओ, जिस तरह से हो सके अपने अंदर से जो भी प्रेरणा मिले, रास्ता सूझे, उस सुझाव के मुताबिक काम करते जाओ। चार कसाई बताए गए हैं, क्रोध मान माया लोभ। उसमें सिर्फ क्रोध थोड़ा सा मालूम होता है, बाकी का तीन हम लोग को मालूम ही नहीं हो पड़ता है, समझ में नहीं आता है कि वो तीन कसाई हमारे में है, तो कैसा है, क्यों ऐसा है? क्रोध तो दिखे वैसा है, खुला है क्रोध, मान लोभ माया, ये सारी चीज़ें हर इंसान में होता है क्या? इसमें क्रोध तो बहुत खुला है, खुलेआम है, दिख जाता है, सबको दिखे वैसा है, और आपको खुद को भी पता चले जैसा है, और उसका परिणाम भी आप अनुभव कर सकते हो, देख सकते हो, औरों को भी दिख सकता है, आपको कहते भी हैं कि देखो आपने ये क्रोध किया उसका फल क्या आया। तो यह खुला है। मान भी एक ऐसी चीज़ है कि दिख जाए, आप उसको ढंक नहीं सकते हैं, कितना भी ढंकने की कोशिश करो लेकिन वो ढका नहीं जाएगा। मानी होता है ना तो सबको पता चल जाता है कि ये तो बहुत मानी है, जब देखो तब उसको मान ही चाहिए, कहाँ से लाए इतना मान, उसको कौन देगा, और मान ना मिला तो उसको अपमान जैसा लगता है। जो बहुत मानी रहता है ना उसको अपमान का बहुत भय रहता है, डर रहता है, और अपमान का जिसको बहुत डर रहता है उसको कभी चैन नहीं रहता है, जहाँ भी जाए तो उसके दिमाग में यही चलते रहता है कि कहीं से मेरा अपमान ना हो जाए, मान ना मिले तो कोई हर्ज नहीं लेकिन मेरा कोई अपमान ना करे, अपमान वो सह नहीं सकता है, जरा से अपमान मिला तो सारी रात नींद नहीं आती है, ये भी सब मान का ही पर्याय है। तो यह खुद भुगतता है ना तो भी उस पर से पता चल जाता है, यानी ये भी ख्याल में आया ऐसा है, लेकिन माया और लोभ जो है वो खुद को भी जल्दी पता नहीं चले ऐसा है। माया यानी छल कपट, कपट यानी तो खुद को भी नहीं चलता है, सामने वाले को भी नहीं पता चलता। लोभ भी ऐसा है, अपने को लोभ है, खुद को लोभ है, ऐसा खुद को नहीं समझ में आएगा, दूसरे कहेंगे तो भी वो स्वीकार नहीं कर सकेगा, ऊपर से उसके लिए आर्ग्यूमेंट करेगा कि ये थोड़ी लोभ थोड़ी है, इतना तो चाहिए, इतना तो होना चाहिए, हर किसी के पास होता है आजकल तो इतना हमको भी तो चाहिए, ऐसा करके लोभ का प्रोटेक्शन करते हैं, रक्षण करते हैं, वो पता नहीं चलता है इसलिए। ये सारे हमारे शत्रु जैसे रहते हैं, हमें शांति से जीने नहीं देते हैं। देखो लोभ के लोभ ऐसा है कि तुम आपको शांति से चैन नहीं कर लेने देगा, पैसे का लोभ रहा तो पैसे के पीछे आपको इतना दौड़ाएगा, इतना भगाएगा, भागते रहो दौड़ते ही रहो, गिरो करो तो भी आप दौड़ते ही रहोगे सारी जिंदगी भर। बुढ़ापे में भी लोभ नहीं जाता है, हमने तो देखे कई बूढ़े 80-90 साल के हो गए होंगे, अभी बिस्तर पे ही है, उठ भी नहीं सकते, तो भी उसका ध्यान तो सारे पैसे में ही रहेगा, कितना मेरा बैंक बैलेंस है, कितना
कितना सोना है, किसका यह है, जब जरा दिन जरा टाइम मिला, घर में कोई नहीं ऐसा दिखा या कमरे में कोई नहीं है तो दरवाजे बंद करके तिजोरी खोल के सब गिनते बैठते हैं। अरे वाह, लोभ, उसको नहीं समझ में आएगा कि ये लोभ है मेरा, बराबर है, इतना तो करना ही पड़ता है। आपने जो बात बताई वो सही है, वो माया और लोभ के बारे में, लेकिन मान के बारे में भी दूसरे को पता चलता होगा पर खुद को पता नहीं चलता है कि मुझे मेरे मेहमान है। वही जागृत थोड़ा सा रहता है ना, विचक्षण शार्प शार्प बुद्धि वाला रहता है ना, वो खुद के एनालिसिस करे तो उसको पता चल सकता है, और जब अपमान होता है ना तभी भी पता चलता है, मान कम मिलता है ना तभी भी पता चल सकता है। तो जो हम बता रहे हैं इस स्थानों पर अगर आप जागृत रहें तो ज़रूर आपको पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप शायद आपको पता चल भी जाए कि ये मेरे में मान है, मेरे को मान परेशान कर रहा है, लेकिन उस मान के सामने हमारे कोई चलती नहीं है, कंट्रोल तो मान का ही रहेगा हमारे ऊपर, हमारा कोई कंट्रोल उस पर नहीं रहता है, चलन तो उसका ही हो चलता है। हालांकि भीतर में थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि ये मान है, कई बार तो वो भी नहीं पता चलता है। और मान तो ऐसा कोई भी चीज़, मान है, लोभ है, ये सारी जितना भी आपको मिले तो भी आपको कम ही पड़ेगा, कम ही गिरेगा, कभी उससे तृप्ति नहीं होती है। कम ही गिरेगा। शुक्रिया आपका। नमस्ते निरुमा, मेरा प्रश्न ये है कि साहजिक मृत्यु या नेचुरल डेथ के वक्त मनुष्य को होने वाली वेदना किस प्रकार की होती है, किस एक्सटेंट पर होती है? वेदना मृत्यु के समय बहुत भारी होती है, भयंकर होती है, शरीर छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जब ये हमारा जीव निकलता है इस, तो शरीर के सारे अंग जो टूटते हैं छूटते समय सब, उसमें बहुत वेदना होती है। वो कल्पना करने से कुछ पता चले ऐसा नहीं है, वो तो जो मरता है उसको ही पता चलता है, समझ में आया ना। बाकी तो इतना ही समझो कि उसके समय बहुत ही भारी वेदना रहती है। उस समय हमारा चित, हमारा कंसंट्रेशन उस वेदना में ही एकाकार हो गया तो वेदना का अनुभव बढ़ते जाता है, बहुत बढ़ते जाता है। और यह शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, और शरीर को हो रहा है मृत्यु, शरीर की हो रही है, मेरी नहीं, मैं अलग हूँ, इस अवेयरनेस में अगर मृत्यु हुई, मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है, शरीर का देहांत हो रहा है, मेरा नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, यह अवेयरनेस के साथ अगर मृत्यु हुई तो उसको ये वेदना का अनुभव नहीं होता है। वेदना होती है शरीर को, होती है मुझे नहीं होती, ये दोनों सेपरेशन रहता है, इसे समाधि मरण कहते हैं, समाधि मृत्यु कहते हैं, बहुत अद्भुत होती है वो चीज़। मेरे और भी एक दो सवाल है। पूछिए। क्या सभी आत्मज्ञानी समाधि अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं? आत्मज्ञानी उसे ही कहते हैं कि जिसे निरंतर आत्मा की समाधि रहती है, आत्मा में ही रहते हैं। मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है या सुना है उसमें ऐसा पढ़ा है कि समाधि अवस्था में हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन और लंग्स ये काम नहीं करते हैं और जीवन मुक्ति की दशा में रहते हैं। वो जो आप समाधि कहते हैं,
आप जो समाधि की बात करते हैं वो आत्मज्ञानी की समाधि नहीं, आत्मज्ञानी की समाधि तो आत्म समाधि निर्विकल्प समाधि होती है, आप जो बताते हैं वो तो दैहिक समाधि है। अच्छा। इसमें सब कुछ होता है, सब विस्मृत हो जाता है सारा जगत, और चित्त शक्ति सारी खींच कर यहाँ ब्रह्मरंध्र में, और सारी शक्तियाँ यहाँ पर केंद्रित हो जाती हैं, शरीर बाकी का सारा निश्चेतन लगता है, सारा जीव भाग खींच कर यहाँ पर केंद्रित कर लेते हैं ब्रह्मरंध्र में, फिर वो परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। प्रणाम निरुमा। बच्चे को पढ़ाई के लिए पहले के ज़माने में गुरुकुल पद्धति थी, वो क्या ठीक नहीं थी? हाँ ठीक थी ना, लेकिन अभी वो पद्धति रही नहीं है, वैसे बहुत कम हो गई है, अभी तो हॉस्टल हो गए हैं, बोर्डिंग स्कूल हो गई है, है नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन उसका फॉर्म बदल गया है। जैसे गीता में कहते हैं कि 12 साल का बच्चा हो जाए, 10 से 11 साल का बच्चा हो जाए, तब उसे हॉस्टल में मतलब गुरुकुल पद्धति से ही पढ़ाई होनी चाहिए, तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो चड़बड़ होती है पढ़ाई के बारे में वो सब छूट जाएगी, उसका सॉल्यूशन मुझे यही लगता है अभी तो। हाँ ऐसे गुरुकुल ढूंढना, यहाँ पर तो यहाँ अडालज में तो ऐसे गुरुकुल हमने स्थापित की गई है, कई बच्चे आते हैं और रहते हैं, लेकिन हम उनको ही रखते हैं, जब इसके स्थापना तो तब हुई थी जब गुजरात में, कच्छ में, सौराष्ट्र में बहुत बड़ा धरतीकंप हुआ था, अर्थक्वेक हुआ था, उन बच्चों के लिए यहाँ गुरुकुल की स्थापना की थी, और अभी वह चल रही है, और ज़्यादातर के जो बच्चे सचमुच फाइनेंशियली पढ़ने के लिए मजबूर है, फाइनेंशियल बहुत ही वीक है, पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों को छोटे छोटे गांव के बच्चों को लाते हैं और उनको अच्छा एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन के साथ संस्कार बहुत देते हैं, संस्कार की बहुत बड़ी कीमत है जो देते हैं यहाँ, और बहुत ही काफ़ी सारी संस्थाएं ऐसा करती हैं, एनजीओस बहुत सारे ऐसे गुरुकुल की स्थापना करती हैं जहाँ उन बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, संस्कार मिले। तो हमें अहमदाबाद में ऐसी आप खोल नहीं सकते ऐसे, अहमदाबाद में ऐसे गुरुकुल आप नहीं कर सकते? चालू ही है, जहाँ सब बच्चे 1 से 11, 12वीं कक्षा तक पढ़े और कॉलेज तक पढ़े, ऐसा कुछ सो है, सब कुछ है, लेकिन हम श्रीमंत के बच्चों को नहीं लेते, गरीबों के बच्चों को लेते हैं। नहीं, प्रॉब्लम सब श्रीमंत के घरों में ही ज़्यादा होते हैं, गरीबों के घर इतना नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे ना, हुशार हुशार हो गए नहीं, माँ माएँ सब हुशार हो गई, इसलिए हुशारी सब बच्चों के पास निकालती हैं, अच्छी जगह पर नहीं निकालती है। तो आप तो पढ़े लिखे, सोचो ना, अच्छे श्रीमंत घर के तो और बच्चों को आप गोद लेके पढ़ाओ और अच्छे संस्कार दो, ये सब एक्सपेक्टेशन छोड़ दो बच्चों के, इतने सारे हाई एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हो, प्रेम रखो सोसाइटी में, यही कंपटीशन रहती है सोसाइटी में, अरे मेरे सोसाइटी में हमारे जितने हमारे कॉम्पिटिटिव जो लोग हैं उनके सारों के बच्चे तो कितने अच्छे पढ़ते हैं, ने फर्स्ट क्लास लाते हैं, ने ऐसा करते हैं, ने मेडिकल में गए, ने कोई इंजीनियरिंग में गए, और मेरा बच्चा तो देखो अभी तो कॉमर्स में ही पढ़ रहा है, 2 बार नापास हो गया, ये देख कर दिल जलता है। नहीं, जब बच्चे का एम्बिशन ऐसा हो कि मुझे इंजीनियर बनना है और हम देखें कि वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा है तो वो कैसे बनेगा, तो फिर हम उसे कुछ कहते हैं तो वो तो फिर उसको कहना अच्छा है कि इंजीनियर मत बनो और कुछ बनो, लेकिन उसका तो एम्बिशन यही है तो फिर उसके इंजीनियर ही बनना है, तो आप बोलना बंद करो और उसके सर पे रखो कि अगर बनना है तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आप जानो आप अपने सर पे लेके घूमती हो ना, इसलिए वो अपने सर पे से निकाल देता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो उसको मना ही करती हूँ कि तुम कॉमर्स ले लो,
लेकिन वो बोलता है नहीं मैं साइंस में ही पढ़ूंगा और इंजीनियर बन के दिखाऊंगा, ऐसा ही वो बोलता है। फिर काय को आपको फिक्र है? लेकिन मैं देखती हूँ कि अगर साइंस में पढ़ना हो तो कम से कम 2 घंटे एक साथ बैठकर तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन आप पढ़ो और उसको खेलने दो। नहीं, एक साथ मतलब वो आधा घंटा से ज्यादा पे नहीं सकता। अगर वो कॉन्फिडेंटली बोलता होगा कि मैं इंजीनियर बन के बताऊंगा तो बताने दो ना, आप इतनी उतावली क्यों होती हो? यही आपकी कमजोरी है, थोड़ा तो विश्वास रखो अपने बच्चों पर। आप 10 बार पढ़ोगी और आपको याद नहीं रहेगा, शायद उसको 1 बार में याद रह जाता होगा आपसे कि आपका बच्चा ज़्यादा होशियार नहीं है, है। तो फिर उस पर विश्वास रखो और अपनी होशियारी पे कम रखो विश्वास। छोड़ दो उसको, गुरुकुल तो भेजने की बात सोच रही हो, घर में अच्छी प्रेम से रखो। आजकल के गुरुकुल में बिगड़ जाएंगे, गुरु के सर पे चढ़ के बैठे ऐसे बच्चे हैं।